हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको थर्ड क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपके कविता का था, जो आपने अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ा था। अब आपके सेकंड चैप्टर है वीर एंड्रोक्लीज, ठीक है, जो एक कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है, जिसके बारे में हम क्या है अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका चैप्टर वीर एंड्रोक्लीज दिखा रखा है आपको फोटो में, और ये लॉयन की फोटो है, देखिए आप। प्राचीन काल में रोम में गुलामी का प्रचलन था। गुलामों को पशुओं की तरह बाजार में बेच दिया जाता था तथा उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था। प्राचीन काल में रोम में गुलामी का प्रचलन था। जैसे व्यक्तियों को, जैसे पशुओं को हम बांध कर रखते हैं, वैसे ही गुलामों को उसे भी उन्हें मजबूर करके रखा जाता था, और उनके साथ पशुओं उनकी तरह व्यवहार किया जाता था, और उनको पशुओं की तरह बाजार में बेचा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए, ऐसा ही गुलाम जिसका नाम था एंड्रोक्लीज, उसका नाम क्या था? एंड्रोक्लीज। एंड्रोक्लीज, उसका मालिक उसे रोम से अफ्रीका ले गया। एंड्रोक्लीज को कहाँ लेके गया था? रोम से खरीदा था उसने और अफ्रीका ले गया। वह एंड्रोक्लीज से खूब काम करवाता, परंतु उसे पेट भर खाना तक नहीं देता था। अब क्या था, उसे काम तो बहुत ज़्यादा करवाता था, लेकिन खाना बिल्कुल भी नहीं देता था। वह बड़ा ही कठोर इंसान था। एंड्रोक्लीज अपने मालिक से बुरी तरह परेशान हो चुका था। वह बड़ा ही कठोर इंसान था, मतलब निर्दयी था बहुत ज़्यादा। उसे पूरे दिन काम करवाता बेचारे से, एंड्रोक्लीज से, और खाना भी नहीं देता था। अब एंड्रोक्लीज जब देखो पेट भर खाना ही नहीं मिलेगा, तो इंसान परेशान तो होगा ही होगा, तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वह हमेशा अपने मालिक की कैद से भागने के बारे में सोचा करता था। वह अपने मालिक की कैद से एक तरह से कैदी हो गया बेचारा, जब उसे भरपेट खाना नहीं दिया जाता और पूरे समय काम करवाया जाता, तो वह कैदी की तरह हो गया। तो उसने सोचा यहाँ से भाग जाना ही उचित रहेगा। एक दिन वह रात को किसी तरह वहाँ से भागने में सफल रहा। वह वहाँ से क्या हुआ, भाग गया। उसने सोचा कि यदि वह समुद्र के किनारे किनारे चलता रहेगा तो वह रोम पहुंच जाएगा। उसने सोचा समुद्र के किनारे किनारे चलेगा, क्योंकि उसे रोम से खरीदा गया था ना, रोम से अफ्रीका लाया था, तो वो अफ्रीका से निकलकर कहाँ वापस से जाना चाहता था, रोम जाना चाहता था। परंतु वह अंधेरे के कारण रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। पैदल चलते चलते वह इतना थक गया था कि अब उससे चला नहीं जा रहा था, ठीक है। वो अगर पैदल पूरे दिन, शाम तक, वो सुबह निकला था और बेचारे को अंधेरा ही हो गया था, रात ही हो गई, तो जब तक वो ऐसे चलता चलता बेचारा क्या हो गया, थक गया। सामने उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर जाकर लेट गया। उसे गुफा दिखाई दी और वो गुफा के अंदर जाकर लेट गया। भूखा प्यासा होने के कारण उसे नींद भी आ गई। अचानक एक दहाड़ सुनकर वह जाग गया। अब भूखा प्यासा होने के कारण उसको क्या आ गई, नींद आ गई, और अचानक वह क्या हो गया, एक दहाड़ सुनकर वह जाग गया। ये दहाड़ किसकी थी, अब बताओ दहाड़ का कौन है, लोयन। तो उसने देखा कि गुफा के दरवाजे पर एक शेर रास्ता रोके खड़ा है। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि आपको भी पता होगा ना कि लोयन सामने दिखे तो आपको भी क्या लगे कि हमारा अंतिम समय आ गया है, ठीक है। तो यही था, उसने भी देखा, अचानक एक दहाड़ सुनकर वह जाग गया। नींद आई हुई थी पर दहाड़ सुनकर, लोयन की दहाड़ बहुत तेज होती है, तो वो दहाड़ सुनकर वह जाग गया। उसने देखा कि गुफा के दरवाजे पर एक शेर रास्ता रोके खड़ा है। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है, उसकी मौत आ चुकी है, उसकी मृत्यु अब होगी। किसके हाथों? लोयन के हाथों। एंड्रोक्लीज ने देखा कि शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। उसे लगा हो ना हो शेर के पंजे में जरूर कोई ना कोई तकलीफ है, ठीक है, उसकी दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी। वह बार बार अपने पंजे को चाट रहा था और बहुत ही परेशान दिख रहा था। कौन? शेर, ठीक है। अब उसके क्या थी, पंजे में तकलीफ थी, उसे ये लगा। वह जब बार बार चाट रहा था और परेशान दिख रहा था, तो उसे किसको लगा, एंड्रोक्लीज को लगा कि वो कोई तकलीफ में है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने हाथ बढ़ाकर शेर का पंजा देखा। पंजे से खून बह रहा था, उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। क्या था, उसके पैर में एक कांटा चुभ रहा था, चुभा हुआ था। अब एंड्रोक्लिस को क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए एंड्रोक्लिस को, जब उसके पैर में कांटा चुभा हुआ देखा, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उस कांटे को निकाल देना चाहिए। तो आपने भी बताया कि
कांटा निकाल देना चाहिए, तो एंड्रोक्लीज ने भी वैसे किया। एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा, इससे खून निकलना बंद हो गया और शेर लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। कुछ समय के बाद शेर एक मरा हुआ खरगोश लेकर लौटा और उसने उसे एंड्रोक्लीज के सामने लाकर डाल दिया। अब जब उसे घाव ठीक कर दिया, किसने? एंड्रोक्लीज ने। तो अब लोयन भी देखो, जानवर बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, ठीक है ना, इंसानों की बजाय। तो क्या हुआ, लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया और उस जाकर वो क्या खरगोश लेकर आया और एंड्रोक्लीज के सामने डाल दिया कि तुम इसे खा लो। एंड्रोक्लीज ने उसे भून कर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया, एंड्रोक्लीज ने वहाँ पानी पिया। झरने के पास ले गया, उसे खाना भी खिलाया और पानी भी पिलाया। इस प्रकार एंड्रोक्लीज को उस शेर के कारण खाना पीना मिल गया। अब वे दोनों मित्र बन गए और साथ साथ रहने लगे। जब देखो आपको भी, जब वो एंड्रोक्लीज एक लोयन को इतने दाड़ते हुए परेशान हुए लोयन को भी अपना मित्र बना सकता है, तो आप लोगों को भी एक दूसरे को मित्र बना के अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि मित्र ही मित्र के काम में आता है। कई महीनों तक शेर के साथ रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लीज वहाँ से भी चल दिया, ठीक है। अब कई महीनों तक तो शेर के साथ रहा, फिर उसे लगा कि मुझे तो रोम जाना है, तो वो वहाँ से चल दिया। अचानक गायब हो जाने के कारण उसके मालिक ने उसके भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दे दी थी। अब रोम से खरीद के लाया था, अफ्रीका आया था ना, याद है या नहीं पहली लाइन है कि एंड्रोक्लीज को रोम से अफ्रीका लाया गया, ठीक है। तो अब जो उसका मालिक था एंड्रोक्लीज का, उसने क्या खबर छुपवा दी सरकार, रोम की सरकार को दे दी कि जो मैं एंड्रोक्लीज को दास को, नौकर को, गुलाम को लेकर आया था, वो यहाँ से भाग गए हैं। एंड्रोक्लीज को सिपाहियों ने पकड़ लिया, रोम के सिपाहियों ने, ठीक है ना। वे उसे रोम ले गए, वहाँ के कानून के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है और शिक्षाप्रद भी है, ठीक है। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों का जब हम भला करेंगे तो हमें भी उसका कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त होगा, हमारा भी भला होगा। ये देखो इसमें चित्र में दिखा रखा है ना, कांटा निकाल रहा है लोयन के पैर में से, एंड्रोक्लीज क्या है, कांटा निकाल रहा है। तो आपको अच्छे से मित्रता से सबके साथ रहना चाहिए और जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है कि अगर कहीं रास्ते में आपको कुत्ता दिखाई देता है तो उसे पत्थर मारते हैं वो, ठीक है, तो उसे गुस्सा आ जाए तो किसी दिन वो आपको खा भी सकता है, आपको काट सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है गाय को पत्थर मारते रहते हैं रास्ते में चलती हुई को, तो वो गाय तो हमारी माता कहलाती है, क्यों? क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करते हैं। किसी के बचपन में अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो गाय का दूध ही उसे पिलाया जाता है, इसलिए क्या कहलाती है, वो हमारी माता कहलाती है। उसके बाद अगर बच्चा 6 महीने 7-8 महीने तक माँ का दूध पीता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब ऊपर का दूध पिलाया जाता है तब भी गाय का ही दूध पौष्टिक रहता है, अच्छा रहता है और सुपाच्य रहता है, इसलिए गाय को क्या कहा जाता है, माता कहा जाता है। तो आपको कहीं पे भी जानवरों को परेशान नहीं करना है, फालतू तंग नहीं करना है, क्योंकि जानवर भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, इसका सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।